एक एक शहर की वजह सारे हिमाचल का नाम खराब होगा अब कि हाँ हिमाचल वाले बंदे सारे टैक्सी वाले ढाबे वाले ऐसे होंगे, अभी सोचेंगे नहीं आगे से कभी आने का हिमाचल में कहीं भी। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे कि वो बोल रहा है कि शराब नहीं पीनी यहाँ पे, तो हमने कहा कि हम शराब थोड़ी पीने आए, हम नाश्ता करने आए, सुबह सुबह थोड़ी ना शराब पी लेंगे। इतनी देर में वो गुस्से में बोलने लगा कि निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। तो वो लास्ट में निकला तो उसको धक्का मार दिया इन्होंने। आसपास के ढाबे वाले टैक्सी वाले सारे इकट्ठे हो गए, 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए, चार बंदों को अकेले अकेले को चार चार पांच पांच बंदे पड़ गए थे। तो अभी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है उसका, कल के बयान ही ली जा रही है कि बयान सेम से हम बोल बोल था कि सेम ही बयान पता नहीं किस वजह से ली जा रहे हैं। 2 साल पहले शादी हुई थी, उसका साल का भी बेटा था वो मेरा हरमन, पगवाड़ा पंजाब से। कब आए थे और कहाँ आए थे? हम परसों रात को चले थे, रात को यहाँ 2 बजे करीब पहुँचे थे और फिर सुबह हम गए थे, रेडी शेडी होकर गए थे हम, 10 बजे निकले रूम से। तो नाश्ते के लिए गए हम वहाँ पे बक्सुनाथ जो है, वहाँ पे हम गए तो नीचे रेस्टोरेंट पे गए थे। और कितने लोग थे आप लोग? आर्यन कॉफ़ी शॉप वाला था, 4 बंदे थे हम। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे कि वो बोल रहा है कि शराब नहीं पीनी यहाँ पे, तो हमने कहा कि हम शराब थोड़ी पीने आए, हम नाश्ता करने आए, सुबह सुबह थोड़ी ना शराब पी लेंगे। तो हम अंदर बैठे ऑर्डर दिया उसको, तो उसने फिर कह दिया कि शराब नहीं पीनी यहाँ पे। तो हमने कहा कि हम शराब थोड़ी पी रहे, तेरे को ऑर्डर दिया तो ऑर्डर करके लगा दे अपना। तो इतनी देर में वो गुस्से में बोलने लगा कि निकलो यहाँ से, निकलो बाहर, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं खाना कुछ। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, हमने भी नहीं खाना यहाँ पे। तो हम जैसे जैसे बाहर निकलते रहे, एंड में जरा भाई था बड़ा नवदीप सिंह, तो वो लास्ट में निकला तो उसको धक्का मार दिया इन्होंने। तो उसने भी जैसे पुशबैक किया तो बोला कि धक्का क्यों दे रहे हैं। तो इतनी देर में वो सारे झगड़ा झगड़ा करने लग पे, तो आसपास के ढाबे वाले टैक्सी वाले सारे इकट्ठे हो गए, 15-20 बंदे इकट्ठे हो गए। तो उस तो बाद पता नहीं लगा कि हम चार बंदों को अकेले अकेले को चार चार पांच पांच बंदे पड़ गए थे। तो जैसे ही हमारी निगाह पे कि नवदीप गिरा हुआ है, तो हम छुड़ा कर भाग कर गए उसके पास। इतनी देर को सारे बंदे भाग गए वहाँ पर, तो कोई फायदा नहीं हुआ हमारे आने का, जो सोचा था सारा कुछ उल्टा ही हुआ उसके। अभी देखते हैं उसके खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई, अभी अंदर जा रहे हैं, बयान दे रहा है अंदर और भी। तो अभी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है उसका, और ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, सारे टूरिस्ट ख़राब होएंगे ऐसे, अभी सोचेंगे नहीं आगे से कभी आने का हिमाचल में कहीं भी। एक एक शहर की वजह सारे हिमाचल का नाम खराब होगा अब कि हाँ हिमाचल वाले बंदे सारे टैक्सी वाले ढाबे वाले ऐसे होंगे, अब कौन टूरिस्ट आएगा ऐसे। आप हरमन नाम बताया ना? हाँ हरमन। हरमन जी, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? फिलहाल कल तो हमारे ऐसे ही उसे चक्री लगते रहे, 5-7 बार बयान ले लिया इन्होंने अकेले अकेले बंदे का। तो आज हम ऊपर गए थे मैकलोडगंज जो थाने में, तो वहाँ से FIR रिपोर्ट वगैरह ली है। कल क्या कह रहे थे कि हमारे फोटोकॉपी दे दो, आज फिर हम लेकर आए उनसे, और अभी फिर अंदर मेरा बयान ले रहा है इन्होंने। कल के बयान ही ले जा रहे हैं कि बयान सेम से हम बोल बोल था कि सेम ही बयान पता नहीं किस वजह से ले जा रहे हैं। ये नवदीप जो था उसकी एज क्या थी? 33 एज थी। कब शादी हुई थी, बाल बच्चे कुछ? 2 साल पहले शादी हुई थी, उसका साल का भी बेटा था वो तो अब क्या करेंगे वो? क्या करते थे वो? वो अकेला ही था, वो घर में काम करता, और उसका अपने काम था उसका। अच्छा, अपना पर्सनली काम? हाँ जी। तो कभी इस तरह से पहले भी कभी उनकी किसी तरह से कोई नहीं? वो बहसबाजी, वो फ्लाइट बनता था, वो ना फैमिली वाला बंदा है वो, तो शुरू से ऐसा ही है वो, पोलाइट स्वभाव का बंदा है वो। कैसी सोचा ही नहीं था हमने, तो सुबह भी नहीं सोचा था कि ऐसे ही हो जाएगा। वो सारे बंदे जब इकट्ठे हो गए, हम तो खुद को बचाने लगे सारे। तो उसको जब हमने पूछताछ की वहाँ से, तो पता लगा कि एक आंटी थी, उन्होंने बताया कि ये जो लेट गया था, गिरा था, तब भी इसको 5-7 बंदे इसके ऊपर ऐसे ही मार रहे, लाते लुते मार रहे थे, बेहोश हो गया था ये। ब्लड वगैरह निकला था उसके? नहीं, ब्लड वैसे थोड़ा सा यहाँ से निकला था, तो वैसे कह रहे कि ब्लड जाम हो गया, क्लॉटिंग हो गई थी। यही तो बात है ना, जहाँ तो हमारे पास दारू की बोतल हो, हाँ। फिर तो बंदा कहे कि हाँ भाई आपने शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना। ना हमारे पास कोई शराब की बोतल ना कुछ, सीधा रूम से रेडी होके नीचे नाश्ता करने आ रहे हैं हम। तो 2-3 बार उसने बोला कि हमने कहा, फिर कह रहा निकलो, हम निकलने लगे तो धक्का मुक्की करने लग गए। हाँ जी, उसके पीछे क्या वजह मानते होंगे? वजह तो खुद को नहीं पता कि पीछे से कोई गुस्सा करके आया, गुस्सा हमारे पे उतार रहा है, कोई साथ वाले बंदे सारे इकट्ठे हो गए, सब पीट रहे हैं, पता नहीं वजह क्या है। क्या इतनी सी बात है, इतना नुकसान किया उन्होंने।